मेरे बेटे और होने वाली बहू को किसी की बुरी नजर न लगे। हाँ बेटा, मैं पंडित जी के पास जा रही हूँ तुम दोनों की सगाई का मुहूर्त निकलवाने। ये सब क्या है? चाहे जिंदगी बीत जाए या मौत, हमारी आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं होगी। पक्का ये मयूरा का किया धरा है। क्या मतलब है इस सब का? दिया उसको। एक सेकेंड, आप लोग डीएम को क्यों डांट रहे हैं? लीजिए, मयूरा तो यही है। वॉशरूम में थी मैं, बेला भाभी ने कह दिया और आप लोगों ने मान लिया। एक बार चेक तो कर लेना चाहिए था ना। पहले एक मयूरा नहीं दिख रही थी, अभी चार चार मयूरा दिख रही है। हाय मेरे गॉड जी, बिला भाभी आपने नशे करना शुरू कर दिया। ताई माँ, बेला को कमरे में ले जाओ। हाँ। जरूरत से ज्यादा चालाक निकली तुम तो मयूरा। सोचा था तुम घर पे नहीं मिलोगी तो तुम्हारे पापा तुम पे और सख्त पहरा लगा देंगे। पूरा प्लान खराब हो गया मेरा। विशाखा जी हेलो। हेलो मयूरा। क्या हुआ विशाखा जी, आप काफी परेशान परेशान सी लग रही हैं। ऐसा तो नहीं कि आपका कोई प्लान फेल हो गया? प्लान? अब किसका प्लान? कौन सा प्लान? मेरा तो कोई प्लान नहीं है। प्लान था ना यहाँ आकर हमारे रिश्ते को थोड़ा और मजबूत करूं और तुम्हारे लिए ये तोहफे लाऊं, ये प्लान है मेरा। हाय मयूरा, तुम तो देख ही नहीं रहे हो मुझे, कैसी हो? सीरियसली ईशान, तुम तो मेरी जनरेशन के हो, शायद मेरी बात तुम समझ सकते हो। मेरी मर्जी के अगेंस्ट अगर मेरी शादी होगी तो मैं कैसे होगी ईशान? मयूरा, विशाखा जी और ईशान इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। इन्हीं में से कुछ गिफ्ट्स शादी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। चुपचाप अपनी पसंद बताओ। पसंद? मेरी पसंद? Really, Dad? I mean, शादी में लड़के के बारे में, मेरी पसंद नापसंद के बारे में तो आपने नहीं पूछा, पर शादी में यूज होने वाली चीजों के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं। Why? अगर आपको मेरी चॉइस से जरा भी फर्क पड़ता, आप ये सब करते ही नहीं। बट अब आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे तो मैं टेक ही लेती हूँ। नो वरीज। इतने पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो बस एक चीज चाहिए थी। अच्छा, क्या चाहिए तुम्हें मयूरा? मुझे तो बस एक सिंपल सादा सा सफेद कफन चाहिए था। आपके लिए। मयूरा क्या बकवास कर रही हो? मॉम है मेरी ये। क्या बदतमीजी है मयूरा। मैं कोई नो डैड, अब आपका ये एक्शन मुझ पर कोई काम नहीं करेगा। पहले मैं चुप हो जाती थी क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी डैड। अब मैं आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करती। करना चाहती हूँ, अंदर से आता ही नहीं है, क्या करूँ? मयूरा, तुम कितनी भी बदतमीजी कर लो, तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी शादी अगर होगी तो सिर्फ ईशान से होगी। आपने मुझसे पूछा था ना, मेरे हाथ पर ये ओम का निशान, इसका क्या मतलब है? आज मैं आपको बताती हूँ। ये ओम, ये मेरे ओमकार का ओम है। आप जानती हैं मुझे तलवारबाजी का शौक एंड ऑल क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में मेरा तलवार से कनेक्शन था। एंड मार्बल्स, जानती है मुझे मार्बल्स का शौक क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में मेरा ओमकार मार्बल्स का संगमरमर सरताज था। मयूरा, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सचिन, मयूरा को उसके कमरे में लेकर जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं। जी बाप। चल बच्ची, चल। आपने सही कहा डैड, मेरी शादी होगी, डेफिनेटली होगी, बट ईशान से नहीं, मेरे ओमकार से होगी। जब मौत भी मयूरा को ओमकार से अलग नहीं कर पाई तो किसी और की तो औकातन और भी नहीं है। आप लोग चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस बार ओमकार और मयूरा को एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता। विशाखा जी, ये आप मयूरा की बातों को। इट्स ओके मिस्टर गोस्वामी, बस आप शादी की तैयारियां कंटिन्यू कीजिए। हाँ, लेकिन एक बात है, ये बार बार ऐसी बेइज्जती ना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी और ना मेरा बेटा ईशान। तो बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिश्ता जोड़ने आए हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम एक परिवार हो जाएंगे। और जब रिश्ता ही नहीं होगा तो परिवार भी नहीं होगा, और जब परिवार नहीं होगा तो फिर बिजनेस भी नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो ईशा, नमस्ते। मॉम, आई थिंक हमें शादी कैंसिल कर देनी चाहिए। मयूरा मुझसे प्यार नहीं करती मॉम। और फिर आज तो उसने आपकी बेइज्जती की है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। Oh please stop it ईशान। इतनी मुश्किल से मैंने ये सारा प्लान बनाया है। प्लान? What plan मॉम? What I mean to say is इतनी मुश्किल से तुम दोनों की शादी की प्लानिंग की है मैंने। अब क्या तुम भी मेरे खिलाफ जाओगे और मयूरा की तरह बिहेव करोगे? हाँ? देखो तुम दोनों की शादी होगी रहेगी बस। लेकिन क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम मयूरा से प्यार करते हो ना? करते हो ना? तो तुम्हें क्या लगता है कि मयूरा तुम्हारे साथ खुश रहेगी या फिर उस साइकिल छाप के साथ? Of course मेरे साथ ना। That's it then, it's decided. तुम दोनों की शादी होके रहेगी। अब जाओ शादी की तैयारियां करो, फेशियल करवाओ, just brighten up, हाँ? Go. पिछले जन्म मयूरा और ओमकार की मौत मैंने तलवार से की थी। इस जन्म भी उनकी मौत मेरे हाथों ही होगी, लेकिन इस खंजर से। पता था उनका, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे पता था तुम्हें सब याद आ जाएगा, पर तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। बस करो मयूरा, प्लीज मेरी लाइफ से चली जाओ। ये सब करके तुम मुझे, मेरे परिवार को, खुद को तकलीफ दे रही हो। तुम्हारे इतना कहने के बाद भी मुझे कुछ याद नहीं आया। और वो जो दीवार पर तुम लिख कर आई, क्या था वो सब? सच बोलो उनका, तुम्हें वो पढ़ के कुछ फील नहीं हुआ? ओमकार, शायद तुम्हें कुछ याद ना आया, पर दिल ही दिल में तुम भी जानते हो ओमकार कि हमारा कोई ना कोई पुराना कनेक्शन है। तुमने फील किया है ना? बस करो मयूर, बस करो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। अगला जन्म, पुनर्जन्म, मैं इस सब में विश्वास नहीं करता, नहीं मानता मैं। बेहतर यही होगा कि आज के बाद हम एक दूसरे के रास्ते में ना आए। बस यही कहने आया। गुड बाय। नहीं, ओमकार प्लीज। ठीक है, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे रास्ते में। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो मेरी ईशान के साथ शादी फिक्स हो गई। क्या? हाँ उनका, मेरे मना करने के बावजूद डैड ने अपने बिजनेस का फायदा देखते हुए ईशान के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी। पर ऐसे किसे बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारी शादी तय कर सकते हो? देखो, ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, इसमें कुछ बोलने का मेरा हक नहीं है। ओमकार देखो बस कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाऊंगी। उसके पहले बस एक फेवर कर दो प्लीज, बस एक बार रुका, बस एक बार प्लीज प्लीज जबलपुर चले जाओ, बस एक बार नर्मदा मियाँ की घाट पर जाओ, बस एक बार वो मार्बल्स की फैक्ट्री में जाओ, बस एक बार संगमरमर की खदान में जाओ, बस एक बार प्लीज, तुम्हें सब याद आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी तुम्हें कुछ याद नहीं आता, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि तुम मेरे पिछले जन्म के ओंकार नहीं हो। ठीक है, और अगर मुझे कुछ याद नहीं आया तो फिर हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। हाय मेरे गॉड जी, तुमने और तुम्हारी दाई माँ ने क्या खिलाया था हमें? अभी तक सर दर्द कर रहा है हमारा। आई डोंट नो भाभी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम्हें ना बच्चों सब कुछ याद है। हमको उल्लू बनाकर तुम ओमकार से मिलने गई थी ना? मिल लो। वैसे भी 2-4 दिन की ही बात है, फिर तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। और तुम्हारे डैड और विशाखा जी जो चाहेंगे वो ही होगा। वो जो तुम कपड़े देख रही हो वो तुम्हारे कल के संगीत के कपड़े हैं। ये तलवारबाजी छोड़ो और वो कंगन हाथ में पहनो। तलवारबाजी तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कहीं जंग में लड़ने जा रही हो। जंग नहीं है, शादी है तुम्हारी। मेरे लिए ये जंग ही है भाभी। एक बार प्लीज प्लीज जबलपुर चले जाओ, बस एक बार नर्मदा मियाँ की घाट पर जाओ, बस एक बार वो मार्बल्स की फैक्ट्री में जाओ, बस एक बार संगमरमर की खदान में जाओ, बस एक बार प्लीज। जब से बाहर से आया है ऐसे ही परेशान है। हो ना हो उसी मयूरा से मिलकर आया है। अब मुझे ही इस मसले के बारे में कुछ करना पड़ेगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? कहिए जी, आप कौन? हाय मेरे गॉड जी, ये तो ओमकार की माँ है। क्या चाहिए आपको? मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आप अपनी बेटी को समझा दीजिए कि मेरे बेटे ओमकार से दूर रहे। हमारी बच्ची नहीं, आपका बेटा हमारी बच्ची के पीछे पड़ा है। एक तो वो पहले हमारी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट के बीच में अड़चन बन के खड़ा हो गया, और अब वो हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। आप जो मर्जी कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट तो स्टार्ट होके रहेगा। उस फैक्ट्री की वजह से आपने मेरे बेटे को मरवाने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं मयूरा को अपने बेटे की जिंदगी और बर्बाद नहीं करने दूंगी। कोई हमारे घर में आके हमारी बच्ची को अनाप शनाप पके, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। लाइए हम ही धक्का मार देते हैं। भाभी क्या करिए आप? कितनी बड़ी है ये आपसे, ये है आपकी तमीज? नहीं, तुमने अपनी होने वाली सासू माँ को गोद में खिलाया क्या जो तुम उनको इतने ताने देती रहती हो? ओमकार की माँ पर तो बड़ी दया आ रही है इसको। मयूरा, ये औरत क्या बोल रही है? तुम ओमकार से मिलने उसके घर गई थी? हाँ, मैं गई थी, बट डोंट वेट, अब नहीं जाऊंगी। आंटी, अब मैं आपके बेटे को कभी परेशान नहीं करूंगी। अगर हमारी किस्मत में मिलना होगा तो हम जरूर मिलेंगे। आंटी आप प्लीज जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मेरे डैड और मेरे भाई आपके साथ और बदतमीजी करें। आप प्लीज जाइए, आई एम वेरी सॉरी। कि विशाखा कोई नई चाल चले, आई होप ओमकार एक बार जबलपुर चला जाए।